मॉर्निंग गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, हमारे पास वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समुच्चय कहलाता है, या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी आपके पास वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कलेक्शन होता क्या है, जो सुपरिभाषित संग्रह है वो होता क्या है? जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह है। एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उनका संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, समुच्चय। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह भी एक समुच्चय कहलाएगा। परिवार में सभी सदस्यों का संग्रह एक समुच्चय कहलाएगा। या फिर कक्षा 11th के विद्यार्थियों का संग्रह, ये क्या कहलाएगा, समुच्चय। ठीक है, अच्छा ये तो था थ्योरेटिकल। समुच्चय को लिखते कैसे हैं? समुच्चय को लिखते हैं हम ब्रैकेट के द्वारा। यह है सेकंड ब्रैकेट, ठीक है, इस ब्रैकेट के द्वारा लिखते हैं समुच्चय को। और समुच्चय को निरूपित किससे किया जाता है मैथमेटिकली? देखो, समुच्चय को निरूपित किया जाता है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा। जैसे सेट को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने बताया समुच्चय के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। उन एलिमेंट्स को आप स्मॉल लेटर्स के द्वारा लिखोगे। ये अल्फाबेट है, छोटे अक्षरों द्वारा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं अपन। ठीक है, ये तो समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय के किस प्रकार से निरूपित किया जाता है उसके बारे में हो गई बात। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, देखिए, हम इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने पढ़ा भी समुच्चय, ठीक है, समुच्चय की परिभाषा हो गई, किस प्रकार से लिखते हैं समुच्चय को। अच्छा, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से होता है, समुच्चय का निरूपण पढ़ेंगे अब। समुच्चय के निरूपण दो प्रकार से होता है, एक रोस्टर विधि है और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, फर्स्ट विधि हम पढ़ेंगे रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है समुच्चय निर्माण, जैसे समुच्चय को लिखने की, किसी समुच्चय को मैंने बताया कैपिटल लेटर के द्वारा लिखते हैं अपन। ठीक है, और इस प्रकार से लिखते हैं समुच्चय को। ठीक है, समुच्चय की रोस्टर विधि में अवयवों को कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे मैं मानता हूं 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, ये पांच एलिमेंट्स ले लिए मैंने, एक सेट बनाया इसका। ये 5 नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय की रोस्टर विधि। ठीक है, एक चीज और देखिए, रोस्टर विधि में अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं होता। या फिर आप एक सेट को इस प्रकार भी लिख सकते हो, 2, 3, 1, 5, 4। ठीक है, इसमें क्रम को चेंज कर सकते हो आप। और एक चीज और है नोट करने की, रोस्टर विधि में आप किसी भी अवयव को बार बार नहीं लिखोगे, रिपीटेशन का कोई वो नहीं होता इसमें मेथड। ठीक है, जैसे कोई अवयव इस प्रकार है, A B C E A B। ठीक है, अब देखो A कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार। B कितनी बार आ रहा है, 2 बार, लेकिन हम 2 बार 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 नहीं लिखेंगे। इस सेट को आप B मान लो, इस सेट को आप लिखोगे A B C और ई। देखो ए वापिस से आ रहा है जो हमने ले लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। बी आ चुका, नहीं लिखेंगे, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपके पास। इस प्रकार ये थी आपकी रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या पढ़ा आपने, अवयवों को कोमा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड मेथड आपके पास समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि सेकेंड नंबर है, समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में आप अवयवों को कोमा के द्वारा न लिखकर किसी एक प्रॉपर्टी के माध्यम से लिखोगे। जैसे मैंने अभी एक सेट लिखा था पीछे, A 1 2 3 4 5, ये तो उसका क्या था, रोस्टर रूप था, लेकिन हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार से लिखेंगे, ए। ठीक है, ए कोई सेट है जहाँ x एलिमेंट है। ठीक है, x एलिमेंट है जहाँ सच दैट, ये क्या है भाई, सच दैट। सच दैट का मतलब x का मान इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n, x कोई नेचुरल नंबर है,
जहां x का मान है 1, 2, 5, ठीक है। मतलब ए कोई समुच्चय है जिसमें x अवयव है, जहां x का मान प्राकृत संख्या है और x का मान है 1 से लगाकर 5 तक, ठीक है। ये दोनों सेट एक दूसरे के सेम है, ठीक है। ये तो था आपके समुच्चय निर्माण रूप और ये था आपके रोस्टर रूप, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम एक्स का मान निकालते हैं, तो ये आपके समुच्चय निर्माण विधि होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे समुच्चय के प्रकार, आपने पढ़ा भी समुच्चय के निरूपण दो प्रकार से होता है, आप पढ़ेंगे समुच्चय का प्रकार। समुच्चय के प्रकार में पहला प्रकार आता है आपके पास रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय नाम से आंसर आ रहा है, रिक्त है समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। जैसे ये कोई सेट है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। तो एक समुच्चय है खाली, ठीक है। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, फाई एक सिंबल है जो कि रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ए कोई सेट है, ठीक है, वो है इस प्रकार, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये कहलाएगा आपके पास रिक्त समुच्चय। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आपके पास एकल समुच्चय, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता क्या है, देखो नाम से आंसर आ रहा है एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होगा एकल समुच्चय कहलाएगा। एक सेट ए है जिसमें एक अवयव है 4, ठीक है, ये सेट क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या एक है। अच्छा ये क्या चीज लिख दी मैंने, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इस प्रकार लिखते हैं अपन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समुच्चय ए में अवयव कितने हैं, एक, तो ये एकल समुच्चय। अब बात करते हैं अपन नंबर तीन, नंबर तीन है हमारे पास परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, फाइनाइट समुच्चय या फिर एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या फिर परिमित हो। जैसे हम लेंगे एक सेट ए ले लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा इसमें अवयव कितने हैं, 5 अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, इसके अंदर 5 अवयव है जो कि परिमित है, इन्हें आप आसानी से गिन सकते हैं, तो ये कहलाएगा परिमित सेट, ठीक है। नंबर 4, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अच्छा नाम से देखो इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट या फिर ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव को नहीं गिना जा सकते या फिर अनंत अवयव है। जैसे एक सेट मान लिया मैंने कैपिटल एन, जो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसमें अवयव आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लगाकर अनंत। देखो इसमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अनंत अवयव होते हैं, तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट। इसी प्रकार से और भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 5, तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय या फिर इक्विवेलेंट सेट। अच्छा देखो दो समुच्चय, देखो तुलना किसमें होगी, कम से कम दो समुच्चय के बीच होगी, तो दो समुच्चय आपस में तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें अवयवों की संख्या समान है। जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट है ए, 1, 2, 3, एक सेट मैंने मान लिया बी, इसमें अवयव है ए बी सी। देखो ए में अवयवों की संख्या एन ए, कितने अवयव है, 3, इसी प्रकार बी में अवयवों की संख्या एन बी, कितने अवयव है, 3, दोनों
दोनों ही समुच्चय में अवयवों की संख्या समान है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? तुल्य समुच्चय। तुल्यता के लिए ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये तुल्यता का साइन होता है, ए समुच्चय बी समुच्चय के तुल्य कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अपन, समान समुच्चय। नेक्स्ट आएगा आपके पास नंबर सिक्स, समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट। देखो समान समुच्चय वही बात हो गई, दो समुच्चय आपस में समान समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान हो। जैसे एक सेट मान लिया मैंने ए, इसमें अवयव है 1 2 3, इसी प्रकार दूसरा सेट मैंने मान लिया बी, इसमें भी अवयव है 1 2 3। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन बी कितनी है? 3। इसका मतलब एन ए बराबर एन बी, तथा अवयव देखो इसमें भी एक है इसमें भी एक, इसमें भी दो है तो इसमें भी दो, इसमें भी तीन है तो इसमें भी तीन, दोनों ही समुच्चयों में अवयव की संख्या एवं सभी अवयव समान है, इसलिए समुच्चय ए बराबर बी, दो सेट आपस में कहलाएंगे इक्वल सेट। ठीक है, उसके बाद आती है बात हमारे पास उपसमुच्चय की। देखो ये तो समुच्चय के प्रकार हो गए आपके पास, कि समुच्चय इतने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। उसके बाद आता है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय को बोलते हैं आप सबसेट। ठीक है, देखो वही दो एग्जाम वो क्या है, दो समुच्चय के रूप में लेंगे अपन। जैसे मैं एक समुच्चय मान लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर से इसकी डेफिनेशन निकालते हैं अपन। एक सेट ए है आपके पास 1 2 3, एक सेट बी है आपके पास 1 2 3 4 5। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। देखो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है या नहीं? एक भी बी में है, दो भी बी में है और तीन भी। तो ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, उपसमुच्चय का साइन ये होता है, इसे बोलते हैं अपन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए है बी का उपसमुच्चय। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो बहुत सारे। अच्छा एक बात देखो, क्या बी ए का उपसमुच्चय हो सकता है या नहीं, चेक करते हैं। देखो बी के प्रत्येक अवयव ए में है या नहीं? बी के 1 2 3 तो ए में है, लेकिन 4 और 5 नहीं है, इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी ए का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ये तो बात हुई समुच्चय उपसमुच्चय की। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सेट, सेट क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, मैंने संग्रह बताया। ठीक है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक सुपरिभाषित तरीके से लिखना समुच्चय कहलाता है। उसके बाद समुच्चय को निरूपण पढ़ा आपने, दो प्रकार से होता है, एक रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में अवयवों को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, एवं समुच्चय निर्माण विधि में किसी प्रॉपर्टी के माध्यम से अवयवों को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आए समुच्चय के प्रकार। पहला रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, दूसरा आया एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होगा, तीसरा आया परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या फिर परिमित होगी, उसके बाद चौथा आया अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव अनंत होंगे, कोई निश्चित नहीं है। तुल्य समुच्चय, दो समुच्चय आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान है। समान समुच्चय, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया उपसमुच्चय, एक समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। ठीक है, ये कहलाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ये है साइन सबसेट का। ठीक है, और ये नॉट सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये पढ़ी हमने बेसिक, जो समुच्चय की बेसिक टॉपिक्स थे ये, इस पे अपन बेस्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट इसी पे बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू।